हाय फ्रेंड्स, आप सबका मेरी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपने मोबाइल का पूरा जो डेटा है उसका बैकअप कैसे लेंगे और अपने फ़ोन को रिसेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फ़ोन रिसेट क्यों करना है। अगर आपका फ़ोन बार बार हैंग हो रहा हो या तो आप कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर आप इंटरनेट ओपन कर रहे हो पर व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया के मैसेजेस नहीं आ रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो इन सब का मतलब ये है कि आपके मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे वायरसेस दाखिल हो चुके हैं जिसकी वजह से आपके फ़ोन को रिसेट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप कैसे अपना फ़ोन रिसेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर सुपर बैकअप नाम की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आप गूगल में जाकर सुपर बैकअप लिख सकते हैं, सुपर बैकअप एंड रिस्टोर। ग्रीन कलर के सिंबल वाली जो एप्लीकेशन है इसे आपको इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। ये 10 मिलियन लोगों ने इंस्टॉल की है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही सक्सेसफुल एप्लीकेशन है और इसकी साइज़ भी बहुत ही कम है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 MB की एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद जब ये एप्लीकेशन ओपन होगी तब सबसे पहले आपको पूछेंगे कि आप बैकअप कहाँ लेना चाहोगे, मतलब कि फ़ोन मेमोरी में या मेमोरी कार्ड में। तो अभी तो अपने फ़ोन मेमोरी में बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, उसे नॉट नाउ करके नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट अपने सबसे पहले एप्लीकेशन का बैकअप लेंगे, तो ऐप्स पर ओपन करेंगे। ऐप्स ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है उसका लिस्ट आएगा, तो आपको सिलेक्ट ऑल करके सारी की सारी एप्लीकेशन का बैकअप ले लेना है क्योंकि आप पूरा फ़ोन रिसेट मारने वाले हो। इसलिए यहाँ पर 152 बैकअप्स दिखाई दे रहा है, तो मैं अभी आपको कोई भी एक करके दिखाऊंगा। जैसे कि ऐप लॉक है, इसका बैकअप लिया मैंने, बैकअप फिनिश, ओके। तो आप आर्काइव में देख सकते हो कि ऐप लॉक एप्लीकेशन का बैकअप हो चुका है। उस तरीके से आपको सिलेक्ट ऑल करके बैकअप दे देना है, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, शायद 2 या 3 मिनट। उसके बाद आपकी सारी एप्लीकेशंस का बैकअप हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने SMS बैकअप लेने हैं। SMS में जाकर बैकअप ऑल देना है। दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये पथ वगैरह क्या है, उस पर ओके कर दीजिए। तो ये 1053 मैसेजेस हैं जो बैकअप हो रहे हैं मेरे। कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट बैकअप करने हैं, बैकअप ऑल 218 बैकअप कॉन्टैक्ट्स है जो बैकअप हो रहे हैं मेरे। इस तरीके से आप हर एक चीज़ का बैकअप ले सकते हैं। कॉल लॉग्स है, कैलेंडर्स है, बुकमार्क्स है, और इसमें एक नया फीचर्स ऐड किया गया है पिक्चर्स का, जो अभी वर्किंग में नहीं है, पर अभी ये 6 चीज़ आपके लिए काफ़ी है। जब आप पूरा बैकअप ले लेते हो उसके बाद आपको सबसे पहले फाइल मैनेजर में जाना है, और फाइल मैनेजर में जाके ये आप जब बैकअप ले रहे हो तो सबसे पहले आपके पास एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव होनी चाहिए जिस पर आप बैकअप ले सकते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप बैकअप ले रहे हो और आपके पास कोई रिकवरी का ऑप्शन नहीं है तो आप कैसे उस डेटा को वापस लाओगे। तो जैसे कि ये डिवाइस स्टोरेज है, तो SMS कॉन्टैक्ट बैकअप, ये वो सुपर बैकअप का जो हमने बैकअप लिया वो चीज़ें मैं दिखा दूँ। कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट का बैकअप है, SMS का बैकअप है, और एप्लीकेशन का बैकअप। हमने सिर्फ एक एप्लीकेशन बैकअप ली थी इसलिए यहाँ पर एक है, आप जितनी लोग हैं सबका बैकअप आ जाएगा। इसके बाद आपको सारे फोल्डर सिलेक्ट कर लेने हैं, सिलेक्ट ऑल, और उसको कॉपी लगाना है। कॉपी लगाने के बाद यहाँ पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पेस्ट करने वाले हो, तो मैंने पहले ही बताया कि आपके पास एक्सटर्नल डिवाइस होना चाहिए।
जैसे कि आपके पास मेमोरी कार्ड है तो वो नीचे शो करेगा मेमोरी कार्ड, उस पर सिलेक्ट करके आपको पेस्ट कर देना है। ये कम से कम बहुत ही ज़्यादा साइज़ में हो सकता है क्योंकि पूरे फ़ोन का डेटा है, तो मैं डिटेल्स दिखा दूँ आपको। ये कम से कम 5-7 या 10 GB तक भी हो सकता है, वो आपकी फ़ोन मेमोरी पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही आपका पूरा का पूरा डेटा आपके एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड या एक्सटर्नल पेन ड्राइव में पेस्ट हो जाता है, उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। और सबसे बड़ी बात कि जब आपने बैकअप ले लिया है एक्सटर्नल ड्राइव में, तो सबसे पहले फ़ोन बंद कर ले। फ़ोन बंद करने के बाद उसमें से अपना सिम कार्ड और अगर मेमोरी कार्ड जिसमें बैकअप लिया है वो मेमोरी कार्ड, दोनों चीज़ को निकाल ले। उसके बाद वापस फ़ोन को रिस्टार्ट करें। फ़ोन रिस्टार्ट करने के बाद सेटिंग में जाए। सेटिंग में जाने के बाद बैकअप एंड रिसेट पर क्लिक करें। उस पर लास्ट में फैक्ट्री डेटा रिसेट पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपके मोबाइल में जो जो अकाउंट्स लिंक है, जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, हाइक, गूगल, ऑल जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब दिखेंगे। यहाँ पर आप रिसेट डिवाइस दोगे, तो जैसे ही आप रिसेट डिवाइस दोगे तो पूरा फ़ोन जो आप जैसे मार्केट में से नया लेकर आए थे, तो वो 5 या 10 मिनट का प्रोसेस लगेगा। उसके बाद पूरा का पूरा फ़ोन आपका रीसेट हो जाएगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका फ़ोन वापस जैसे आप नया लाए थे वैसा हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से अपने फ़ोन में सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड डाल देना है। सिम कार्ड मेमोरी कार्ड डालने के बाद क्या करना है, फिर से फाइल मैनेजर में जाएंगे। अभी फाइल मैनेजर में जाने के बाद अपना जो मेमोरी कार्ड है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मैं डिवाइस स्टोरेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपना मेमोरी कार्ड सिलेक्ट करें। उसमें ये वाला फोल्डर होगा SMS कॉन्टैक्ट बैकअप वाला, उस पर क्लिक करें, उस पर ऐप्स पर क्लिक करें। तो हमने जब सिलेक्ट ऑल किया था तो उसका मतलब ये है कि सुपर बैकअप नाम की एप्लीकेशन भी इसमें इंस्टॉल हो चुकी होगी बैकअप, तो उसको इंस्टॉल कर लें। जैसे वो इंस्टॉल हो जाएगी तो उस पर क्लिक करें और ऐप्स में जाएं। तो जैसे आपने 152 एप्लीकेशन का बैकअप लिया था तो RCU में 152 दिखाई देगी क्योंकि आपके पास वो है, उस पर सिलेक्ट करके इंस्टॉल दे दीजिए। तो वन बाय वन आपकी सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। उसी तरीके से SMS भी आप रिस्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर रिस्टोर का ऑप्शन है। रिस्टोर में जो अपनी फाइल है उस पर सिलेक्ट करें, और ये रिस्टोर हो रहे हैं, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। उस हिसाब से आप कॉन्टैक्ट, कॉल लॉक, कैलेंडर, बुकमार्क्स, एवरीथिंग्स आप अपना बैकअप जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली अपने मोबाइल को रिसेट कर सकते हैं, और रिसेट कर कर आपको आपका मोबाइल जो पहले जैसी स्पीड थी वैसे आ जाएगी, हैंग नहीं होगा और कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। और मैं एक टेक्निकल लाइन का बंदा हूँ तो मेरी यही सलाह है कि अपने मोबाइल को हर 3 या 4 महीने में रिसेट करते रहें, जिससे कि आपके मोबाइल की सिक्योरिटी भी अच्छी रहेगी और परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। मेरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।